सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में नगर निगम का दस्ता काफी देर तक होटल के बाहर ढोल बजाता रहा और आखिरकार उनकी ये पहल रंग लाई। 13,94,467, 2,50,000 और 2,50,000 का इनका इन्वेस्टमेंट लगभग 19 लाख हो जाता है। बताया गया कि होटल पर लाखों का टैक्स बकाया था, लेकिन काफी देर तक ढोल बजता देख होटल के मालिक ने बकाया टैक्स में कुछ वहीं पर चुका दिया। 31,12,000 की बकायेदारी थी और इसमें से उन्होंने लगभग 20 लाख की बकायेदारी पूरी कर दी है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि उनकी इस पहल का मकसद बकायेदारों को शर्मिंदा करना है ताकि वो टैक्स की चोरी ना कर पाए। तो ये कहां किया जाएगा? अभी सारे बड़े बकायेदारों के यहाँ किया जाएगा। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के इस वर्ल्ड कप में चौथा शतक और शानदार गेंदबाजी से भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। रोहित ने 92 गेंद में 5 छक्के और 7 चौके की मदद से 104 रन की पारी खेलने के अलावा केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 180 रन की साझेदारी की, जिससे भारत ने 9 विकेट पर 314 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 286 रन पर ऑल आउट। रोहित का मौजूदा विश्व कप में ये चौथा शतक है और उन्होंने एक विश्व कप में सर्वाधिक 4 शतक के श्रीलंका के कुमार संगकारा के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। वहीं रोहित शर्मा किसी एक वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 2 मौकों पर 500 से ज्यादा रन बनाए थे। वहीं इस हार के बाद बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आता मैच बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा टेंशन हो गया था, लेकिन ये तो क्रिकेट में होते रहते हैं, नहीं तो मजा नहीं आता। मजा आया, आज मजा आया। बांग्लादेश ने भी अच्छा खेला, लेकिन इंडिया टॉप पे है। इंशाल्लाह इंडिया वर्ल्ड कप ले जाएगा, ये मेरी दुआ है। इंडियन टीम बड़े प्रोफेशनल वे में खेल रही है, उनको पता है बॉलिंग करते हुए क्या करना और बैटिंग करते हुए क्या करना। और जो हमारा एक वीक पॉइंट था मिडिल ऑर्डर, वो जाधव को और विजय शंकर को हटाकर उन्होंने कंप्लीट कर लिया। हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी सॉलिड है कि आगे अभी रविंद्र जडेजा भी बैठा है, तो अब हम किसी से रुकने वाले नहीं है, अब हम कप लेके ही घर जाएंगे। इंडिया को अपने मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सुधारना पड़ेगा और ऋषभ पंत को लंबी नहीं खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऋषभ पंत के 40-50 रन से कुछ नहीं होगा। ही मस्ट गो फॉर 70-80 रन ताकि शुरू के 3 बैट्समैन पे उतना प्रेशर नहीं आए। आज बांग्लादेश थी सेमीफाइनल के अंदर, आपको इंग्लैंड मिलेगा, उसको बीट करने के लिए आपको लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। The match was great, the atmosphere was amazing, we all had a good time. Yeah, India played very well. रोहित शर्मा में सेंचुरी इज वेरी गुड। बहुत ही अच्छा मैच रहा और हम 28 रन से बांग्लादेश से मैच जीते। देखिए इंडिया जैसे परस्पर वर्ल्ड कप के अंदर खेलती जा रही है, तो भारत के अंदर भारतवासियों के अंदर बहुत जोश है और सभी लोग चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आए, पुनः भारत को विश्व गुरु बनाए। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी रही है, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। रोहित शर्मा आज अच्छा खेली इंडिया टीम। हम चाहते हैं और बेटर करें, फाइनल जीते, कप जीते, हमारे हाथ में वर्ल्ड कप वांछित, वर्ल्ड कप चाहते सर। बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने स्टेडियम में मौजूद अपने एक बुजुर्ग फैन का आशीर्वाद दिया। भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया, जिसके बाद कप्तान विराट कोहली ने स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला देखने पहुंची 87 साल की एक बुजुर्ग फैन चारूलता के पैर छुए। मैच जीतने के बाद विराट कोहली अपनी इस बुजुर्ग महिला फैन के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। 87 साल की चारूलता व्हीलचेयर पर भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने पहुंची थी। बाद में विराट कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की और अपने सभी फैंस का दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं चारूलता ने भी वर्ल्ड कप में इंडिया के जीतने की कामना की। I'm very lucky to get me this chance to watch this cricket. Actually, I have too much proud for my country. My wish is for India. India will won. India will win. Definitely. नगर निगम अधिकारी को बैट से पीटने वाले बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय पर प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई। खबर है कि दिल्ली में हुई बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर सख्त तेवर दिखाए और पार्टी के बड़े नेताओं के सामने आकाश विजयवर्गीय का नाम लिए बिना कहा कि बेटा किसी का भी हो वो मनमानी नहीं कर सकता, जिसके बाद बैठक से बाहर आए नेताओं ने भी आकाश विजयवर्गीय की हरकत को गलत ठहराया।